नमस्कार, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक बेईमान दुकानदार, जिस पर क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। आपने देखे भी होंगे, हर शिफ्ट में लगभग लगभग क्वेश्चन इससे मिलता जुलता आता है। तो मैं आज आपको समझाने वाला हूं कि ऐसे बेईमान दुकानदारों का, जिनका काम चीटिंग करना होता है, इनको कैसे सबक सिखाना है और इन पर जो सवाल बनते हैं उनको कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए पहले सवाल पढ़ लेते हैं। कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु 30% कम वजन तोलता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? ध्यान से सुनना, आपके लिए जो इसका कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि आप एक चीज का ध्यान रखो कि आप ये समझो, 1000 ग्राम जो चीज होती है, 1000 ग्राम जो चीज होती है उसको आप 1000 रुपए का मान के चलिए बस। तो इसका मतलब 1 ग्राम चीज का जो मूल्य होना चाहिए वो 1 रुपए होना चाहिए। कितने रुपए होना चाहिए? 1 रुपए। ये बात आपको समझ में आ गई? अब जरा सुनिएगा, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 30% कम वजन तोलता है, तो दुकानदार का क्रय मूल्य कितना है? बोले सर 1000 रुपए। तो हमें ये सीपी पता चल गया कि दुकानदार का जो क्रय मूल्य है वो तो 1000 रुपए। क्लियर है? अच्छा, होता क्या है कि वो 30% कम वजन तोलता है, तो जो वजन 1000 ग्राम देना चाहिए वो 30% कम देता है, यानी कि कितने ग्राम देता है? सिर्फ 700 ग्राम। कितने ग्राम देता है? 700 ग्राम। बात समझ में आ गई? 1 ग्राम कितने का? 1 रुपए का। तो 700 ग्राम चीज भी कितने की होगी? 700 रुपए की। कितने रुपए की होगी? 700 रुपए की। अब बात यह आई कि ये दुकानदार कस्टमर को चपत ऐसे लगाता है कि वो अपने पास से चीज तो 700 रुपए की देता है लेकिन उसके लिए लेता कितने रुपए है? पूरे के पूरे 1000। 700 से 1000 कितने रुपए दुकानदार कमा रहा है? आप कहोगे सर जी दुकानदार 300 रुपए कमा रहा है। मैं पूछूंगा कितने पर कमा रहा है? आप कहोगे 700 पर कमा रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो को काम खत्म कर दीजिए। अब बताइए 3/7। अब 3/7 को आप 3×1/7 भी लिखते हो। 1/7 का मान क्या होता है? 14 सही 2/7%। कितने परसेंट? 14 सही 2/7% गुणा करना है आपको। कितना मिलेगा? 14 3 42 और इधर गुणा करेंगे तो 42 सही 6/7% का क्या होगा? उसका प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा? 42 सही 6/7% का। ऐसे ही एक प्रश्न और देखते हैं, जरा समझिएगा। वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम देता है। अब हर बार चीजें लिखूंगा नहीं, आप उसको अपने दिमाग में बिठाओ। कॉन्सेप्ट सिर्फ उतना था, यानी कि 1000 ग्राम की जगह वो सिर्फ 960 ग्राम चीज ही देता है। 1000 ग्राम चीज तो 1000 रुपए की, तो 960 ग्राम चीज 960 रुपए की। इसका मतलब वो 40 रुपए कमाता है किस पर? जो अपने पास से वो देता है 960 पर। 0 से 0 खत्म। 1/4/96 का मतलब 1/24। और अगर मैं इसको प्रतिशत में बदल लेता हूं तो 4 से काटूंगा 6 बार 4 से काटूंगा 25 बार। 25/6 का मतलब 6×24 सही 1/4 6%। कितने परसेंट? 4 सही 1/6% का उसको क्या होगा? लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा? 4 सही 1/6%। देखिए अगले सवाल पर आते हैं, और अगला सवाल भी बहुत ज्यादा अच्छा। अपनी वस्तुओं को 44% की हानि पर बेचने का दावा करता है लेकिन 30% वजन कम तोलता है। अब चीज को समझना, बेस आपका कुल मिलाकर 1000 ही है, चाहे वो मूल्य के रूप भाव में हो और चाहे वो ग्राम के भाव में। 44% हानि पर बेचता है, तो अगर 1000 का 44% मैं हानि दिखा दूं तो ये 560 रुपए की चीज बेचने को कहता है कि वो चीज बेचता है 560 रुपए की। कितने वाली? 1000 वाली। लेकिन होता क्या है, वो 30% कम वजन तोलता, तो 30% कम तोलेगा तो 700 ग्राम तोलेगा। एक्चुअल में क्या होता है, उसको 44% की हानि नहीं होगी। क्यों? 44% की हानि तब होती जब वो 1000 की चीज को 560 की बेचता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर वो 700 रुपए की चीज को 560 रुपए की बेच रहा है, तो जो उसका नुकसान हुआ है एक्चुअल में वो नुकसान है 140 का। कितने पर? 700 पर। अगर पूछ दे कितने परसेंट है, तो आप कहोगे 100 अगर लगाते हैं तो 2 जीरो खत्म कर लेंगे और 7 × 2 = 14, यानी एक्चुअल में जो उसका नुकसान है दुकानदार का वो कितने परसेंट है? सिर्फ 20%, ना कि 44%। तो सही जवाब क्या होगा? 20%। चलिए एक और सवाल देखते हैं बेहतरीन सा। अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, 20% कम वजन तोलता है, लाभ का प्रतिशत। फिर बेस क्या रहेगा? सर वही 1000 है हमारा बेस। क्या होता है, दो कंडीशन की 10% लाभ पर बेचना है, तो 1000 का 10% अगर मैं लाभ लूंगा तो चीज कितने की बिकेगी? 1100 की। क्लियर? और 20% कम वजन तोल दिया, 1000 ग्राम का 20% कम कर लेते हैं, यानी कि 200 ग्राम कम तोल दिया तो 800 ग्राम वजन तोला। अब आप देखो
खत्म कर दीजिए दो जीरो से जो दो जो। आठ से चीज कितने की बेच रहा हूं? ग्यारह की। कितना फायदा? तीन का, तीन बटे आठ। तीन बटे आठ का मतलब 37.5% का फायदा। कितने परसेंट का? 37.5% का। तो यहां पर जो लाभ का प्रतिशत आएगा मित्र कितना आएगा? 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, अगला सवाल देखिए, बहुत ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक्स परसेंट लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है और 37.5% लाभ कमाता है, एक्स का मान क्या होगा? ध्यान से सुनना, बेस आपका वही सेम है 1000, सारे कॉन्सेप्ट का बेस 1000। इसको एक्स परसेंट लाभ पर बेचने का दावा करता है, मुझे एक्स नहीं पता है, यही मुझे निकालना है। ठीक, लेकिन क्या करता है? 20% वजन कम कर देता है। अब 20% अगर वजन कम करेगा तो 800 ग्राम ही चीज तोलेगा, बोलो यस और नो? अच्छा जी, अब समझना, कहता है 37.5% का वो लाभ कमाता है। कितने परसेंट का? 37.5% का। 37.5% का मतलब 3/8 होता है, यानी कि जिस चीज का मूल्य 8 के अनुपात में है, क्रय मूल्य, उस पर 3 का फायदा होगा। तो क्रय मूल्य अगर 8 के अनुपात में है तो 3 का फायदा होकर वो चीज कितने की बिकेगी? 11 के। कितने पे? 11 पे। अब देखो 8 का मान 800 है, तो 11 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे 11 का जो मान होगा सर जी, वो 1100 होगा। अब आप बताइए, जिस चीज का मूल्य 1000 था, उसे अगर आप 1100 की बेच रहे हो तो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। कितना परसेंट फायदा हो रहा है 1000 की चीज को अगर 1100 की बेच रहे हो? तो बोले सर 10% का। तो जो एक्स का मान होगा ना मित्र, वो कितना होगा? 10%। खत्म सवाल। कितना हवा बनाया गया है ऐसे सवालों को, कि इतने कठिन सवाल कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। एक और देखिए आपके सामने फरमाइश पर, चलिए एक और सवाल देखिए, एक्स परसेंट हानि पर बेचने का वादा करता है, फिर से वही चीज 1000, एक्स परसेंट हानि पर बेचनी है, नहीं पता है एक्स का मान क्या है, ठीक है कोई बात नहीं, परंतु 20% कम वजन तोल दिया, तो कम वजन तोल देने का मतलब 800 ग्राम तोला, जो कि 800 का होगा, और 20% का लाभ। अब 20% लाभ का मतलब इसका फ्रैक्शनल वैल्यू, इसका भिन्नात्मक मान क्या होता है? 1/5। जिस चीज का क्रय मूल्य 5 होगा वो 1 के लाभ पर बिकेगी, यानी 5 से 6 की बिकेगी। अब आप देखना जरा, 5 का मान अगर कितना है? 800। 5 का मान 800 है, तो कितने का गुणा हुआ होगा? 160 का। 16×5=80, तभी तो आएगा। तो यहां पे भी हम 16 का गुणा करें तो 160 का गुणा करें तो 16×96 यानी कि 960 आ जाएगा। अब आप सुनिए जरा, 1000 की चीज को आप 960 का बेचिए, 1000 की चीज 960 की बिकेगी तो नुकसान कितने का? 40 का। किस पर? 1000 पर। कितने परसेंट है ये नुकसान? दो जीरो से ये खत्म, एक जीरो से ये खत्म, बताइए जरा नुकसान कितने परसेंट है? 4%। तो आप कहोगे जो हानि है वो कितने परसेंट की है? 4% की। और वही हानि क्या थी? एक्स। तो आपका जो आंसर होगा एक्स का मान वो कितने परसेंट होगा? 4%। और ऐसे सवालों को क्या बताया गया? बहुत कठिन होते हैं, बहुत कुछ समझना होता है, और फिर उसके बाद बच्चों को डराया जाता है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अब देखिए इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको सेकंडों में कर लेने हैं। कैसे करने हैं? सेकंडों में। तो ऐसे सवालों को भी ध्यान से समझिए। इसके साथ साथ एक चीज और समझिए, अगर मैं बात कर लूं कुछ एक पॉइंट की, तो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है भाई कि अगर मैं पेड कोर्स की बात कर लेता हूं, तो पेड कोर्स मेरा लाइव है इस वक्त, पेड कोर्स आ चुका है। जो भी बच्चे पेड कोर्स इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात कहता हूं कि आपके जीवन का लास्ट पेड कोर्स होगा। लास्ट मतलब इसका मतलब कुछ और मत समझिए, लास्ट मतलब इसके बाद अगर आप किसी भी वन डे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी और का पेड कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन सफिशियंट, इसके अलावा कुछ लेने का जरूरत नहीं। इसमें आपको अर्थमेटिक का जो कोर्स है, अगर आप सिर्फ अर्थमेटिक लेना चाहते हैं तो 799 का, अगर एडवांस का कोर्स लेना चाहते हैं तो उसकी कीमत होगी 499। अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको पड़ेगा 1099 का। इसके साथ जो चीजें आपको फ्री मिलेंगी, 500 प्लस क्वेश्चन, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की पीडीएफ है, जिससे रेलवे ग्रुप डी का अभी तक पूरा का पूरा पेपर फंसा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, वो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जिसकी कीमत 99 है। आप अगर अलग से परचेज करेंगे तो 99 की है। इसके साथ साइंस की बात कर लेता हूं, साइंस की जो पीडीएफ है जिसमें 1000 से प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पीडीएफ आपको इस कोर्स के साथ फ्री मिलेगी। अच्छा, इस कोर्स के साथ अगर आप अनुराग 786786 अगर ये
कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको एक डिस्काउंट भी मिलता है। कोर्स कैसा है इसकी जानकारी के लिए, खरीदने के तरीके के लिए आप हमारे सपोर्ट नंबर 9369880746 इस पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।